हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में बात करने वाले हैं नेवी SSR और AA और MR और एयरफोर्स के जो क्वेश्चन आते हैं इन्वेंशन और खोज के बारे में। ठीक है, आविष्कार और आविष्कारक वाला जो क्वेश्चन आते हैं, और देखिए फेसबुक की खोज मार्क जुकरबर्ग ने की, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ये आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर दबाइएगा और एक लाइक तो जरूर कीजिएगा, 100% का लाइक का टारगेट रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर लिया है हमने टेलीविज़न। ठीक है, जो सभी लोग देखते हैं, टेलीविज़न का खोज किसने की थी? जॉन लोगी विरर ने। ठीक है, जॉन लोगी वायरर ने की थी और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखने के लिए। वायरर कहाँ होता है? टेलीविज़न में होता है। ठीक है, और रेडियो का मार्कोनी, रेडियो मार्कोनी, रेडियो का तो अब जमाना ही चले गया लेकिन बहुत सारे लोग सुनते होंगे। ठीक है, रेडियो का मार्कोनी ने किया था खोज। और नेक्स्ट हमारा बैरोमीटर, बैरोमीटर का इन्वेंशन जो किया था वो किसने किया था? वो किया था टोरी सेली ने, टोरी सेली ने किया था। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा टेलीफोन, टेलीफोन एलेक्जेंडर ग्रहम बेल, इसको याद रखने के लिए एलेक्जेंडर से याद रखिए। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का किसने, थॉमस एंड बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, ये दो साइंटिस्ट थे और दोनों ने मिल के की थी इलेक्ट्रिसिटी की खोज। और इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब का किसने किया था? थॉमस एडिसन, थॉमस एडिसन का अगर आपने कहानी पढ़ी है, स्टोरी पढ़ी है, तो वहाँ पर ये लाइट का जो बल्ब का जिक्र भी जरूर किया होगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा इन्वेंशन था थॉमस एडिसन के लिए, और भी बहुत सारे खोज किए थे लेकिन ये जो लाइट बल्ब है इनका जो बहुत बड़ा रोल है थॉमस एडिसन के बारे में। थर्मामीटर इनका जो खोज किया था वो डैनियल ग्रेवियल और फेरेनहाइट। ठीक है, डैनियल ग्रेवियल फेरेनहाइट, इसको याद रखने के लिए थर्मामीटर में क्या होता है? फेरेनहाइट होता है। ठीक है, तो फेरेनहाइट से याद रख सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर का खोज जो किया था ऑटो बल्ब थी। ठीक है, ऑटो बल्ब थी। नेक्स्ट हमारा है विद्युत बैटरी, एलेक्सैंड्रो वोल्टा। ठीक है, एलेक्सैंड्रो वोल्टा ने खोज की थी। और नेक्स्ट हमारा DC मोटर, मोटर टू टू टाइप के होते हैं, एक होते हैं AC और एक होते हैं DC। ठीक है, दोनों अलग अलग चीज़ काम करते हैं। और ये जो है DC मोटर का खोज किसने की थी? ये जेनेवो ग्रामे ने की थी। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा AC मोटर, निकोला टेस्ला, यहाँ पर देखिए दोनों मोटर का जिक्र किया गया है। और नेक्स्ट हमारा रेडियम का खोज किसने की थी? वो किया था मारिए एंड पियर क्यूरी ने, ये दोनों साइंटिस्ट मिल के किए थे। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप का खोज किसने किया था? वो गैलीलियो ने किया था। और नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, हेनरिच ने किया था, हेनरिच। और ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने फिजिक्स से उठाई है क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो आते हैं वो साइंस से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जनरल साइंस को बोलते हैं। और इसी तरह हमारा नेक्स्ट है वॉशिंग मशीन। ठीक है, वॉशिंग मशीन का खोज किसने किया था? एल्वा फिशर ने। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का खोज किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। एक्सरे, एक्सरे का खोज किसने किया था? विलहेम कॉनराड। ठीक है, विलहेम कॉनराड रोंतगेन। ठीक है, इसका नाम यही है, विलहेम कॉनराड रोंतगेन। और नेक्स्ट हमारा कास्मिक रेंज, ठीक है, कास्मिक रेंज जो R.A. मिलिकन ने किया था। और नेक्स्ट हमारा इंसुलिन, फ्रेडरिक बैटिंग। ठीक है, फ्रेडरिक बैटिंग इंसुलिन की खोज किसने की थी? और एटॉमिक थ्योरी का जो दिया था वो डाल्टन साहब ने दिया था, जॉन डाल्टन इसको बोलते हैं। और पीरियोडिक टेबल को दिया था वो दामित्री मेंडलीव, इसको हम मेंडलीव के से ज़्यादा नाम से जानते हैं। ठीक है, मेंडलीव से पीरियोडिक टेबल और डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी। और रमन इफेक्ट वो CV रमन ने किया था। ठीक है, रमन इफेक्ट जो किया था वो खोज वो CV रमन ने खोज किया था। और यही क्वेश्चन आया था रमन इफेक्ट की खोज किसने की थी पिछले ईयर। ठीक है, कॉब्यूरेटर, कॉब्यूरेटर का खोज किसने की थी? जी डैमलर। ठीक है, जी डैमलर, इलेक्ट्रोमैग्नेट विलियम स्टर्जन। और नेक्स्ट हमारा पेनिसिलिन, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। उसके बाद है मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप का जो किया था खोज वो किया था फ्रिट्ज, फ्रिट्ज ने किया था। ठीक है, फ्रिट्ज, और यहाँ पर नाम दिया है पेफेलियोमर। और नेक्स्ट हमारा है लियोन लैम्ब, जॉर्ज क्लॉट। थ्योरी ऑफ एटम वो जॉन डाल्टन ने किया था, ये क्वेश्चन डबल हो गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ डाल्टन एटम का, एटॉमिक थ्योरी और थ्योरी ऑफ एटम दोनों जो दिया था वो डाल्टन ने ही खोज की थी। और इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शॉर्ट वीडियो है और बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिया है। चलिए, ज्योति
जियोमेट्री, ठीक है, जियोमेट्री की खोज किसने की थी? इनको हम ऐसे भी नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम लिखें तो जियोमेट्री। जियोमेट्री का खोज यूक्लिड साहब ने की थी, इलेक्ट्रॉन का जे जे थॉमसन ने, फोटोन का अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ये सब तो आपको याद रहना चाहिए। फिर एयरप्लेन, एयरप्लेन का खोज किया था राइट ब्रदर्स, ठीक है, राइट ब्रदर्स। स्टीम इंजन, जेम्स वाट। स्टीम इंजन, भाप वाला इंजन जिसको बोलते हैं, जेम्स वाट ने किए थे। लिफ्ट का खोज किए थे तो ऑटिस। मोबाइल फ़ोन की मार्टिन कूपर, ये तो याद जरूर रखिएगा। मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन, टेलीविज़न, ये सब क्वेश्चन जो मैंने ऊपर में करवाए वो सब भी आप एकदम याद ही रखिए। डीजल इंजन, रुडोल्फ डीजल, ठीक है। डीजल इंजन से आपको अगर इन्वेंशन पूछेगा तो वहाँ पर इंजन लगा होगा, तो वहाँ पर रुडोल्फ इंजन में टिक करना आपको। माइक्रोस्कोप, जजरियस जनसेस, ठीक है। ब्लड ग्रुप्स, कॉर्ल लैंडिसनर। उसके बाद है लॉ ऑफ मोशन जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, उनका खोज किया था न्यूटन साहब ने। सिनेमोटोग्राफी एडिसन ने, ठीक है, देखिए यहाँ पर इनका भी खोज किया था एडिसन ने। एडिसन ने इलेक्ट्रिक बल्ब का भी खोज किया था। बैटरी, बैटरी का खोज किया गया वोल्टा, ठीक है, वोल्टा याद रखिएगा, ऐसे याद नहीं रहेगा, एलेक्सांड्रो वोल्टा इसका पूरा नाम है। माइक्रोमीटर, विलियम कोजिन, ठीक है, माइक्रोमीटर का खोज विलियम कोजिन ने किया था। और स्पेलिंग पे ध्यान रखिएगा, हिंदी में कुछ अलग है और इंग्लिश में कुछ अलग है, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जी है। जेट इंजन का खोज किसने किया था? फ्रैंक व्हीलर, व्हीटल, ठीक है, फ्रैंक व्हीटल ने की खोज की थी। और ये जो थे सर थे, एक प्रोफेसर थे। एप्पल कंप्यूटर की खोज किसने की थी? स्टीव जॉब्स। वर्ल्ड वाइड वेब, WWW का पूरा फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और इनकी जो खोज की थी वो सर टिम बर्नर्स ली ने की थी। और गूगल का लेजी पेज ने की थी। और नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने की थी। और इंटरनेट का खोज किया था विंट सिर्फ एंड रॉबर्न, रॉबर्ट कहन, ठीक है, विंट सिर्फ एंड रॉबर्ट कहन, दो साइंटिस्ट ही बोल सकते हैं या दो आदमी बोल सकते हैं जिनकी खोज की थी, इनको हम साइंटिस्ट ही बोलेंगे। और नेक्स्ट हमारा फेसबुक, फेसबुक की खोज किसने की थी? मार्क जुकरबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ट्विटर जिसको हम विलियमसन, विलियम्स और जैक। और नेक्स्ट है बिग बिज स्टोन। और ने ईमेल की खोज किसने दी? वो शिवा अन्य दूरिया, ठीक है, शिवा अय्य दूरिया। और कैसे लगे अपने फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर करना, और 100 लाइक का टारगेट है, और इसे जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।